नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हम आपको थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरकार 1 जून 2022 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई प्रीमियम दरें लागू कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने कुछ रियायत दिए उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिसूचना के मुताबिक हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए प्रीमियम दर में 7.5% की कमी की गई। अब 30 किलोवाट की क्षमता की जो ई कारें हैं उन पर 3 साल का प्रीमियम 5,543 रुपये तय किया गया है। इसी तरह 30 किलोवाट से 65 किलोवाट की क्षमता वाली ई कारों या ई वाहनों के लिए प्रीमियम 3 साल का 9,044 रुपये तय किया है और 65 किलोवाट क्षमता से ज़्यादा वाली जो ई कारें हैं या ई वाहन हैं उनके लिए 3 साल का प्रीमियम 20,907 रुपये तय किया गया है। अब आते हैं हम फोर व्हीलर्स के नए प्रीमियम पर। फोर व्हीलर्स के लिए नया प्रीमियम सरकार ने जो तय किया है वो इस प्रकार है, 1000 सीसी के इंजन क्षमता वाली निजी कारों के लिए अब प्रीमियम 2,072 रुपये की जगह 2,094 रुपये तय किया है। इसी तरह 1000 से 1500 सीसी की कारों के लिए 3,221 रुपये की जगह 3,416 रुपये प्रीमियम तय किया है और 1500 सीसी से अधिक पर, यानी 1500 सीसी से अधिक की क्षमता वाली फोर व्हीलर्स के लिए 7,897 की जगह 7,890 रुपये प्रीमियम तय किया गया है। सरकार ने इसमें कुछ रियायत दिए मामूली। अब आते हैं हम टू व्हीलर्स की नई प्रीमियम दरों पर। तो दोस्तों, टू व्हीलर्स की प्रीमियम दरें इस प्रकार है, 150 से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम क्षमता वाले टू व्हीलर्स पर प्रीमियम की दरें अब 1,366 रुपये तय की गई है। इसी तरह 350 सीसी से अधिक की क्षमता वाले टू व्हीलर्स पर अब 2,804 रुपये प्रीमियम लगेगा। दोस्तों, ये जो प्रीमियम की नई दरें हैं वो 1 जून 2022 से प्रभावी होंगी। और हम आपको ये भी बता दें कि सरकार ने 2 साल तक कोरोना पीरियड में थर्ड पार्टी वाहन इंश्योरेंस पे किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं बढ़ाया था, इस बार प्रीमियम दरें बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, ये थी वाहन बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।